माने लोकसभा सीट क्रमांक नंबर 8 से निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहता हूँ। कांग्रेस प्रत्याशी आप? कैंडिडेट विधानसभा चुनाव लड़ा था। 2023 का जो इलेक्शन आएगा उसमें आप कैंडिडेट घोषित किए जाएंगे। 2023 में भी हमारा कोई देखभाल नहीं हुई हमारी। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे न कोई दबा सकता है न झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। खबर भोपाल से। खजुराहो संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता रहे मनसुख कुशवाहा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मनसुख कुशवाहा ने बताया कि वे 2018 से कांग्रेस पार्टी में सक्रियता से कार्य कर रहे थे। पवई विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस द्वारा मुकेश नायक को प्रत्याशी बनाया गया क्योंकि उसी समय एनसीपी और कांग्रेस में समझौता हो गया था, इसलिए वे कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे। उन्हें तब आश्वस्त किया गया था 2023 के चुनाव में उनका अवसर दिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग और दलित आवाज की अपेक्षा की जा रही है, इसलिए वे कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र देकर खजुराहो विधानसभा क्षेत्र से संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। मनसुख कुशवाहा ने कहा कि वे पूरे क्षेत्र में अनेक कार्यक्रम कर चुके हैं। पार्टी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ जनों द्वारा लगातार अनदेखी की जा रही है। अन्य पिछड़ा वर्ग, दलित एवं आदिवासी समाज के लिए कोई स्थान नहीं दिया जा रहा है। वे इससे पहले गुजरात माउंट आबू में अनेक कार्यक्रम कर चुके हैं। खजुराहो संसदीय क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा प्रत्याशी है। मनसुख कुशवाहा ने कहा कि उन्हें क्षेत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग, दलित आदिवासी समाज का पूरा समर्थन हासिल है और वे आगामी लोकसभा चुनाव में इन सभी वर्गों के मतदाताओं के जरिए बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। नाम बता दीजिए अपना। मनसुख लाल कुशवाहा। आज क्या वजह है कि आज कांग्रेस परिवार से आप त्याग पत्र दिए? वजह एक है कि मैं अपने माने लोकसभा सीट क्रमांक नंबर 8 से निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहता हूँ। कांग्रेस प्रत्याशी आपके प्रत्याशी, आपने आप कांग्रेस में अपनी बात रखी थी? रखी 2018 से रखते हुए चले आ रहे हैं, अब तक हमारी कोई बात की सुनाई नहीं हो रही है। हमारी जो लोकसभा सीट थी उनने अपना जो है ना सपा कैंडिडेट को दे रखी है, अब हमारे लिए काम करने के लिए बचाई क्या है। कितने वर्षों से आप कांग्रेस पार्टी में? मैं 2018 से कांग्रेस के साथ में हूँ। 2018 में मैंने निर्दलीय कैंडिडेट विधानसभा चुनाव लड़ा था। पहले एनसीपी से सिंबल लाया, एनसीपी और कांग्रेस का गठन हो गया। कांग्रेस एनसीपी वालों ने बोले कांग्रेस का सपोर्ट करो, मैंने कहा कांग्रेस का सपोर्ट करूंगा मेरे लिए क्या है। तो माननीय दीपक बावरिया जी के थ्रू बोला गया कि अभी आप जो है श्री मुकेश जी का साथ दें, इसके बाद 2023 का जो इलेक्शन आएगा उसमें आप कैंडिडेट घोषित किए जाएंगे। 2023 में भी हमारा कोई देखभाल नहीं हुई, हमारी कोई बात नहीं हुई। हमने साबरमती आश्रम से राजघाट तक पदयात्रा की, किसके साथ में? जो कि अपने लालजी देसाई जी, इनके साथ में। इसके बाद हमने कई प्रोग्राम जो है ना गुजरात माउंट आबू यहाँ प्रोग्राम करते हुए काम करते रहते हैं। हमारी कोई पूछ नहीं है, हमारे लिए कोई जगह नहीं है। OBC SC ST OBC वालों के लिए कोई पूछ नहीं है, कहाँ दिया? हमारी पवई विधानसभा क्षेत्र से जो सीट है, विधानसभा सीट थी, वो OBC आरक्षित सीट थी, OBC के लिए बोला गया था, लेकिन पुराने घिसे पिटे चेहरे वही मुकेश नायक जी को लाके दे दिया। उसमें हम लोगों की मेहनत का क्या हुआ? आज कांग्रेस के वरिष्ठ जन को आपने इस्तीफा दिया जी, क्या चर्चा हुई? क्या चर्चा? कोई सुन के कौन है, कौन सुनने वाले, क्या कहने वाले? हाँ वजह बताओ कि कुछ वो अपना इस्तीफा दे रहे हो। मैं निर्दलीय उम्मीदवार घोषित हूँ, निर्दलीय उम्मीदवार। शर्मा के अगेंस्ट लड़ने जा रहे हैं चुनाव जी, बिल्कुल। चुनौतियाँ देखते हैं? अब चुनौतियाँ तो ये है कि मैं अपना वो दमखम दिखाऊंगा ताकि मेरे पास जो है ना SC ST OBC के सारे समाजों का मेरे साथ सहयोग है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम मनसुख लाल कुशवाहा, ग्राम सिरसी, तहसील पवई, जिला पन्ना, मध्य प्रदेश। द खबरदार न्यूज़ के लिए आशीष द्विवेदी की खास रिपोर्ट।